बैरिंग आ चुका है पीछे चक्का के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं खराद पे, इसको प्रेस करके लगवाना पड़ेगा। तो भाई खुल नहीं रहा था, उसको वेल्डिंग करके कटना पड़ेगा। तो अभी उसको वेल्डिंग करके यहाँ पे काटा जा रहा है, देख सकते हैं। तो फाइनली भाई गाड़ी का धुलाई हो चुका है स्टार्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। बीडीएम भाई अभी खुद से अपना गाड़ी धो रहे हैं। पहले भी फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। भाई फाइनली अपना जो ट्रिप था वो कंप्लीट हो चुका है नागालैंड वाला। हम आ चुके हैं अपने वाराणसी में। भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इलेक्शन के पहले वाराणसी पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हैं पोषण भी सुबह सुबह आ चुका है। गुड मॉर्निंग आप सबको। और हम लोग का हो चुका है डिस्प्ले खराब, ये हम लोग का टूट चुका था रास्ते में, तो आज जा रहे हैं इसको सही करवाने, क्योंकि जरूरी है। अभी बैक टू बैक आप लोग को बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि काम है और एक न्यू ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग को बता देंगे। ये भी ट्रिप अपना होने वाला है 3000 किलोमीटर लॉन्ग। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, गन्ना का जूस पे रुक चुके हैं, क्योंकि गर्मी में गन्ना का जूस बहुत फायदा करता है। गन्ना का जूस, नारियल पानी, ये सब पीना चाहिए, और आप लोग पीजिए। इतना भयंकर गर्मी है, 45 डिग्री बनारस के अंदर है, सोच सकते हैं इतना भयंकर गर्म लग रहा है। अभी गन्ना का जूस पी लिया, अब हम लोग जा रहे हैं इसको लगवाने के लिए। नादेसर जाना पड़ेगा क्योंकि इसका पूरा क्लिप व्लिप टूट चुका है। इतना गर्मी लग रहा है ना, मतलब हमें तो गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा है। पोषण को मैंने बोल दिया, पोषण बोल रहा है चलो हम चलाएंगे, तुम बैठ जाओ। तो चलो बैठ चुके, अब निकलते हैं यहाँ से। भाई दोपहर में इतना गर्मी हो जा रहा है ना, घर से निकलने का इच्छा ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, काम है, निकलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और सर अब हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह 7 बजे अपने ड्यूटी के लिए निकले, और जो भी काम हम रहेगा गाड़ी का ना वो हम लोग करवा के 10-11 बजे तक घर आ जाए, क्या बोलते हो? अब गर्मी का दिन है, सुबह सुबह निकलना ही ठीक है भाई। और अगर कहीं का बुकिंग मिलेगा तो सुबह सुबह बुकिंग करके हम लोग कोशिश करेंगे सुबह सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि दिन में एकदम भी गाड़ी चल भी नहीं पा रहा है। और लीची लोड करके जब आ रहा है इतना, भाई टायर इतना गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था क्या ही बताएं। तो अभी हम अपने गाड़ी का काम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो बैक टू बैक दो काम करवाना है। एक तो मेरे एक्सल में आवाज़ है, अभी भी आवाज़ है, ठीक है, एक्सल में या फिर बैरिंग में, ये दोनों चीज़ में कन्फर्म नहीं है, किसी चीज़ में आवाज़ है। धनबाद गाड़ी खाली करके हमको बनारस आना पड़ा था, पहला चीज़। दूसरा चीज कि अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराने का डेट भी आ चुका है, तो वो भी करवाएंगे बहुत जल्द। तो आज हम लोग जाने वाले थे ये एक्सेल वाला काम करवाने के लिए, तो आज हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो लेट हो गया और अपने बीएचयू गेट के आसपास में बहुत भयंकर जाम लगा था। तो हम लोग नादेसर निकल रहे हैं, पहले एलसीडी का काम करवा लें, क्योंकि गाना वाना बज नहीं रहा तो अच्छा नहीं लग रहा है हम लोगों को, तो इसको पहले सेट करवाना जरूरी है। तो ये अपना भिखारीपुर चौराहा देख सकते हैं, काफी खाली खाली लग रहा है सुबह का टाइम में। हाँ हो गया भैया, हो गया। सो फाइनली नादेसर पहुंच चुके हैं, और ये रहा भाई साहब के दुकान, जहाँ पे मतलब काम इधर बीच करवा रहे हैं, क्योंकि पहले अजान भाई से कॉल काम करा रहे थे, तो अजान भाई को फ़ोन मैंने किया था, उठाए नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ चुके हैं। तो भैया अभी बना रहा हमारा एलसीडी जो अपना ख़राब हो चुका था, अभी देखेंगे चेक करके एलसीडी में क्या प्रॉब्लम हो गया। अच्छा बीच बीच में छोड़ भी दे रहा था तार, तो ये सब चीज़ें चेक करवाएंगे। और इसका जो ये कवर है ना, ये कवर भी ख़राब हो चुका है, ये कवर को नया लगाना है, ठीक है, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो ये कवर भी नया डालना है, उसके बाद फिर अपना जो बाजा है वो चालू हो जाएगा। तो इधर अपना एलसीडी का काम चालू हो चुका है, और नया वाला ये कवर भी आ चुका है यहाँ पे। पहले भी अच्छे से तार को फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको लगाएंगे। यहाँ पे हम लगवा रहे थे, वहाँ पे एक्चुअली लग नहीं पाया, इसीलिए तो फिर से हम अपने अजान भाई के पास आ चुके हैं। दोबारा कॉल किए थे, आप लोगों को पता ही है, पहले कॉल किया अजान भाई नहीं उठा, कुछ बिजी थे काम से, तो दोबारा कॉल किया अजान भाई, कॉल लग गया और उठा भी लिए। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अपना क्लिप एक अलग से लगेगा, ताकि जो बार बार वाला झंझट है, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक सब्सक्राइबर भाई आ गए, कैसे? बढ़िया बढ़िया भैया, वीडियो देखते हैं? हाँ देखते हैं, बराबर देखते हैं, आपका वीडियो पूरा देखते हैं। चलिए धन्यवाद, पूरा वीडियो देखते हैं। तो भाई फाइनली अपना एलसीडी ओके हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। गाना सुनते सुनते हम लोग जा रहे थे, फिलहाल गाना बंद कर दिया, क्योंकि भाई कॉपीराइट आ सकता है अगर गाना आप लोगों में सुना दिया तो। तो अभी रास्ता पूरा खाली है, देख सकते हैं, गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में अक्सर बनारस का जो जाम है, या फिर सुबह रहता है या शाम को रहता है, दोपहर का नहीं जाम रहता है, क्योंकि भाई दोपहर के टाइम में सब रेस्ट करते हैं, कोई भी घूमने होने वाला निकलता है, तो शाम को ही ज़्यादा निकलता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने गाड़ी को धुलवाने के लिए, घर पे गए खाना पीना खाने के बाद, कपड़ा वपड़ा चेंज करके पहुंच चुके हैं गाड़ी को धुलवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है यार। तो ये देख सकते हैं इतना धूप है ना, क्या ही बताएं, इधर बैठा है पोषण। तो चलिए फटाफट करके गाड़ी का वॉशिंग करवाते हैं, आज धुलवाएंगे काशी एक्सप्रेस को, क्योंकि नागालैंड का ट्रिप कम्प्लीट करके आ चुका है सही सलामत। तो इनका भी भाई साफ सफाई बनता है, सर्विसिंग भी करवाना है। भाई अपना जो व्हील कैप था वो भी खरीद लिया हमने, क्योंकि काफी दिन से हम सोच रहे थे व्हील कैप खरीदना है। तो ये रहा अपना व्हील कैप, न्यू व्हील कैप आ चुका है भाई, ये लगेगा आगे, और ये रहा अपना कैप, ठीक है, स्टार वाला, ये काफी अच्छा लगता है। अच्छा यही मेन जलवा है, ठीक है, ये अगर नहीं रहेगा पसंद नहीं जमता है, ये रहता है तो बहुत अच्छा खिलता है गाड़ी, क्या अभी इसमें रेडियम का काम भी करवाना है, उसके बाद लगेगा और काफी मस्त लगने वाला है। और इसको भी कुछ यूनिक इस बार रेडियम काम करवाएंगे पसंद, नहीं तीन कलर में सोच रहे हैं, कुछ अलग, तिरंगा तो नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि कुछ अलग लेवल का काम करवाएंगे। तो अभी रेडियम वाला भैया आया नहीं है जिससे हम काम करवाते हैं, तो कब तक आएगा भाई?
कल आ जाएगा, चलो कभी घूमते फिरते आएंगे तो इसमें मस्त एकदम रेडी हम काम करवाएंगे। तो फाइनली भाई सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैं गाड़ी धुलवाना है। तो इतना ज़्यादा धूप है कि हालत ख़राब होने वाला आज गाड़ी धोने में, तो हम लोग सबको मिल के यहाँ पे कोशिश करें गाड़ी धोने के लिए। तो पोषण अभी पीछे का रस्सा वस्ता सब खोल रहा है क्योंकि अंदर भी पानी भरवाना है, तो अंदर जितना भी तिरपाल है उसको ऊपर कर देगा और पानी मार के नीचे हो जाएगा। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करवाते हैं धुलाई। तो फाइनली भाई गाड़ी का धुलाई हो चुका है स्टार्ट, देख सकते हैं यहाँ पे भाई साहब धो रहे हैं गाड़ी का धुलाई, मतलब भाई साहब कर रहे हैं गाड़ी का धुलाई। भाई गाड़ी धोने के बाद गाड़ी का चाल ही चेंज हो जाता है, जैसे इंसान नहाने के बाद ना इंसान का तबीयत मस्त हो जाता है, वैसे ही जब गाड़ी में पानी गिरता है ना तब गाड़ी का एक चाल अलग हो जाता है, लगता है हाँ कोई चीज़ चला रहे हो आप। तो इसी वजह से गाड़ी का भी साफ़ सफाई काफ़ी ज़रूरी है, जैसे हम अपने आप को साफ़ रखते हैं वैसे ही गाड़ी को भी साफ़ रखना चाहिए हम लोगों को। बीडीएम भाई अभी खुद से अपना गाड़ी धो रहे हैं, तो भाई अपना गाड़ी अपने से धोने में कैसा लग रहा है? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, हम तो सोच रहे हैं सर्विस सेंटर ही खोल लें, लेकिन भाई भैया का फिर ग्राहक कम हो जाएगा, ये सब सोचना पड़ता है हमें, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मज़ा आता है अपने से धोने में ना, मज़ा आता है भाई गाड़ी, और हमें पानी से खेलने में बहुत अच्छा लगता है। तो भाई गाड़ी धुलवाने के बाद आ चुके हैं गाड़ी का काम करवाने के लिए। जो प्रॉब्लम था देखा आप लोगों ने, धनबाद में माल पलटी करना पड़ गया था, गोविंदपुर में लीची लोड करके आ रहे थे, तो वही चीज़ दिखवाने के लिए आए आखिर प्रॉब्लम है कहाँ से। तो अभी खुल रहा है चक्का, देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है गाड़ी से। तो पहले तो लंबू भी अभी गाड़ी का एक्सल खोल कर चेक करेंगे एक्सल में आखिर प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि बैरिंग में तो समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम, तो इसलिए अभी एक्सल खोल कर चेक किया जाएगा दोनों चक्के का, उसके बाद आगे का भी चक्का उठा के चेक किया जाएगा आखिर प्रॉब्लम है कहाँ से, क्योंकि ऐसा बारीकी प्रॉब्लम रहता है, अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा तो गाड़ी चक्का फेंक देगा तो लोडिंग गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसी वजह से इसको अच्छे से चेक किया जा रहा है खोल के। तो मेरी गाड़ी का एक्सल पहली बार खुल रहा है इसलिए उसका प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि कंपनी का ही एक्सल लगा हुआ है अभी। तो मेरे गाड़ी का एक्सेल पहली बार खुला है और एक्सेल खोलते हुए हम पहली बार देख भी रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। तो ये देख सकते हैं ये अपने गाड़ी का एक्सेल, ठीक है, महिंद्रा का एक्सेल कुछ ऐसा होता है, ये देख सकते हैं, और ये कंपनी का ही लगा हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सेल खुल रहा है तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगा होता है। ये पूरा बैरिंग है और इस एक्सेल इसको बोलते हैं ना, ये लंबा वाला एक्सेल बोलते हैं, क्योंकि भाई इतना जानकारी मुझे है नहीं, पिकअप लाइन है बहुत कम दिन से हमें, तो अपने आंखों के सामने अपने गाड़ी का पहली बार मैंने एक्सेल को खुलवाया है चेक करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ से। तो लंबू का क्या लग रहा है? सही है इधर का, तो इधर का बोल रहे भैया सही है, तो अभी उधर का खोल कर चेक किया जाएगा। अपना एक चक्का का काम कंप्लीट हो चुका है, एक चक्का का काम कंप्लीट करने के बाद भाई साहब अभी टायर आर इसमें लगा रहे हैं, उसके बाद अभी उधर का भी चक्का खोल कर चेक करना है कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा वाला चक्का खोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो चेक हो चुका है उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो सही है, अब दूसरा वाला चक्का खुलवा के चेक करवा रहे हैं आखिर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई जो बीमारी था गाड़ी का वो पकड़ा चुका है लंबू भैया, अभी बताएं भैया क्या हुआ है? बैरिंग फूट गया है। तो अगर इसमें लोडिंग गाड़ी लेके आते लीची लेके आते फेंक देता कि नहीं? गाड़ी चक्का फेंक देता ना। तो भाई मतलब बहुत अच्छा डिसीजन मैंने लिया था अपने गाड़ी के लिए, मतलब फेंकता तो और भी बहुत सारा चीज नुकसान करता, कम से कम लगा 10-12 हज़ार खर्चा, 12-13 हज़ार, और अभी कितने में निपट जाएगा? 3 हज़ार के अंदर, 3 हज़ार के अंदर। मतलब भाई अगर चक्का फेंकता तो 12-13 हज़ार लगता, और हम सही फैसला लिए कि अपना लीची पलटी करवा दिए, और अभी मेरा 2-3 हज़ार के अंदर काम हो जाएगा, सोचो भाई। तो ऐसा कभी हचक हचक आ जाए, कभी आवाज़ करे बैरिंग से, आप लोग भी माल पलटी कर दो दूसरे गाड़ी में, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो अभी खुलने के बाद दिखाते हैं, इसका बैरिंग ख़राब हो चुका है मेरा। तो फाइनली अपना बैरिंग ये निकल चुका है भाई यहाँ पे, और अभी इसको खोला जाएगा, बैरिंग को चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये बैरिंग ख़राब हो चुका है मेरा पीछे का, देख सकते हैं पोषण भी लेके आ रहा है, ये बैरिंग अपना तोड़ दिया था। अब भाई अगर इसको हम टाइम पे माल पलटी करवाए नहीं होते, अगर उसी पर हम चाप के बेहुदा वाला काम किए होते अपने गाड़ी के साथ में, तो काफ़ी प्रॉब्लम में फंस गए होते उस दिन। तो लंबू भैया बोल रहे हैं काफ़ी लंबा खर्चा आ जाता, ये देख सकते हैं भाई यही चीज़ ख़राब हो गया था अपना, और अब होगा इसमें नया लगेगा। तो ये अपना एक्सल यहाँ पड़ा हुआ है, एक्सल में अब नया बैरिंग चढ़ने वाला है।
नया बैरिंग आ चुका है पीछे चक्का के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं खराद पे, इसको प्रेस करके लगवाना पड़ेगा। और ये पुराना बैरिंग का हालत देख सकते हैं, पूरा ये टूट के हाथ में आ चुका है, आधा तो अंदर फंसा ही रह गया है, उसको भी निकलवाना पड़ेगा प्रेस करके। तो चलिए, मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया का बना हुआ अपना बैरिंग है, ठीक है। कंपनी का नाम इसमें नहीं लिखा हुआ है, डब्बा में था, कोई बात नहीं, इसको चलिए फटाफट लगवाते हैं। और बैरिंग का दाम है 2000 रुपया। एक्सल एक्सल के अंदर में तो ये लगेगा बैरिंग, ठीक है। ये अपना नया बैरिंग है रखा हुआ है, चाचा जी अभी निकाल रहे हैं। तो ये अपना ये पुराना बैरिंग इसमें फट कर रह गया था, इसको प्रेस करके पुराना बैरिंग को निकाला जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक तो टूट के पूरा गल गया है और इसमें से भी इसको काटा जाएगा, ठीक है, आधा उसमें फंस के रह गया है। तो काम फाइनली चालू हो चुका है गाइस, देख सकते हैं निकाला जा रहा है, उसी में फंस के टूट के रह गया है। तो भाई खुल नहीं रहा था, तो उसको वेल्डिंग करके काटना पड़ेगा। तो अभी उसको वेल्डिंग करके यहाँ पे काटा जा रहा है, देख सकते हैं। तो अभी क्या किया जा रहा है, ये देखो निकल गया। तो अभी हब में से जो बैरिंग का हिस्सा टूट के रह गया था उसको निकाला गया है, ठीक है। ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये बैरिंग का हिस्सा है, अब अपना ये नया वाला बैरिंग इसमें चलाया जाएगा हब के अंदर, ठीक है। चलिए, और भाई पहली बार मेरा पीछे का बैरिंग फूटा है, 260,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दिया, 260,000 में पहली बार मेरा पीछे का बैरिंग फूटा है। और आप लोग बताओ सही टाइम पे फूटा है कि नहीं, ठीक है। और वो भी हादसा होने से भगवान ने बचा लिया, ये तो और बड़ा दिक्कत हो सकता था इसमें हम लोगों को। रास्ते में चल रहे थे, क्या पता लीची लोड करके गाड़ी कुछ और भी हो सकता था, तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो अभी इसमें हब में नया वाला बैरिंग को फिट किया जा रहा है, भैया इसको प्रेस करके फिट करेंगे, तो इसको भी प्रेस करके ही फिट किया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रेस वाला मशीन भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो भाई अपना काम होने वाला है कंप्लीट अब, ठीक है, जो भी काम था अपना इसका, ये बैरिंग वैरिंग चेंज हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया बताइए, कुछ आई सील कबाड़ रहे हैं। तो भैया अभी इसमें से आई सील को कबाड़ रहे हैं, ये वाला आई सील निकालेंगे, इसमें भी नया आई सील लगाएंगे ताकि अपना जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करे, वर्क करे। ये देख सकते हैं आई सील अंदर वाला, फाइनली नया आई सील इसमें लगना चालू हो चुका है। तो लंबू भाई ब्रेक सेट कर रहे हैं क्योंकि अपना जो सब काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और भी आज थोड़ा बहुत काम करवाने वाला है, जैसे कि पीछे का क्राउन ऑयल चेंज करवाएंगे, आगे गियर बक्सा का ऑयल चेंज करवाएंगे। तो अभी यहाँ पे ब्रेक सेट हो रहा है, तो इतना काम तो हो ही रहा है। साथ ही साथ हमने सोचा कि यार जो क्राउन ऑयल है और गियर ऑयल है उसको भी चेंज करवा ही लेते हैं, क्योंकि 60,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। अभी तक भैया बोल रहे थे कि अभी मत चेंज करवाइए, लेकिन हमने बोला कि नहीं भी आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे अपना नया ये क्राउन ऑयल चेंज हो रहा है, इसके बाद फिर हम लोग आगे का गियर बक्सा का ऑयल भी लेके आ चुके हैं, तो गियर ऑयल भी चेंज होगा आगे का, पहले इसको चेंज करवा लेते हैं। तो फाइनली भाई गाड़ी का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है। गाड़ी का पूरा काम कम्प्लीट कराने में, जैसे पूरा काम बोले तो बैरिंग खराब था, ठीक है, बैरिंग चेंज करवाया 2000, और 200 रुपये खराद पे दिया, 700 रुपये लंबू भैया मिस्त्री को दे दिया, और जो उनका बिल बना था 3,965 रुपये का बिल बना था, जो सामान हमने खरीदा है, क्राउन ऑयल चेंज करवा दिया गाड़ी का, क्राउन ऑयल और फिर अपना आगे का गियर बक्सा का ऑयल भी चेंज करवा दिया, क्योंकि अब 2-3 काम और रह गया गाड़ी में, ठीक है। आज धूप काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, जो भी आज हो गया काम इतना ही रहने देते हैं, अब इसके बाद कभी और काम करवाएंगे 2-3 दिन बाद। रह गया सर्विसिंग का काम, सर्विसिंग डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सब चेंज करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं गाड़ी का तो काम ओके हो जाएगा, उसके बाद कच्चा माल पे चलेंगे। तो अपना काम कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं, सबका हिसाब किताब हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे, चलो भाई निकलो। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे पोषण घर, क्या घर निकला जाए ना, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है भाई। वो इधर मोबाइल को रख दिया, पता चला मोबाइल में ही आग लग गया, एक तो चार्जिंग नहीं हो रहा, आईफोन भी नहीं चार्ज हो रहा है, सैमसंग का भी फ़ोन नहीं चार्ज हो रहा है, इतना हीट हो जा रहा है ना, मतलब गर्मी के मारे मोबाइल भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मतलब भाई जब निकलते हैं गाड़ी बनवाने के बाद ना, ये पूरा यहाँ आगे मोड़ से लेके ये नारायणपुर चौराहे तक इतना रोड गंदा है, ये वाला देख सकते हैं, अब पता नहीं कब ये वाला रोड बनेगा। वैसे तो पूरा रोड सही है, ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में एक दो जगह, तीन आगे भी 2-3 जगह खराब है। अब भाई पता नहीं ये किसके अंडर में आता है, कौन बनवाएगा, कुछ भी ठीक नहीं है। ये देख रहे हो गाढ़ा गुड़ी पूरा आ चुका है, और ये नहर के ऊपर से हम लोग अभी जा रहे हैं, नहर तो फिलहाल बंद है अभी। तो भाई आ चुके अपने घर के पास, गाड़ी लगा दिया साइड में, अब जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि
इतना गर्मी है, थोड़ा सा जाएंगे भाई कूलर में रेस्ट करेंगे, इतना गर्मी है दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, पोषण चला गया अपने घर क्योंकि उसको। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरा जो अपना गाड़ी का काम था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अभी थोड़ा बहुत और काम बाकी है जो कि आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा।